कमजी हो लो। तो दोस्तों ये देखिए, इसके अब मैं नाव के लिए पंखा बनाऊंगा जिसके वजह से बहाव से ये आगे बढ़ेगा। तो ये बनाने के लिए मुझे एक्यूरेट साइज में काटना होगा इसे। तो ये दोस्तों सेंटर पॉइंट है, यहाँ तक ले लेते हैं। उसके बाद मान के चलो कि यहाँ तक इसको ले लेते हैं। तो यहाँ से कट कर लेते हैं इसको। तो पहले थोड़ा सा एक्यूरेट साइड में काटना होगा, ये अभी सीधा नहीं है। स्केल नहीं है सारा। तो दोस्तों अब मैं इसका पंखी बनाने जा रहा हूँ। ये टीना है, पतला टीना है, इसका पंखी अच्छा से बनता है। इसलिए ये रहा, इसका ही पंखी बनाने जा रहा हूँ। इसके लिए मुझे दो कट देना पड़ेगा, एक यहाँ बैंड करने के लिए पंखी, इसे पंखी का आकार देने के लिए। ये लीजिए, एक कट मैंने यहाँ दिया और एक मुझे इधर से देना होगा। ये मैंने दे दिया कट। अभी इसे फोल्ड करना होगा। फोल्ड में चाकू का इस्तेमाल कर रहा हूँ फोल्ड करने के लिए। थोड़ा सख्त सख्त है, थोड़ा टाइट है, ये हार्ड है। इसके लिए मुझे लगता है दूसरा चाकू का इस्तेमाल करना होगा। और ये मैंने दूसरा चाकू से खोल कर दिया। ये लगभग मेरा पंखी का आकार ले रहा है। और ये दूसरा भी लगभग पंखी का आकार आ गया है। अभी हवा इसे देगा। थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए मैं थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना चाहूँगा। ये इधर कट हो गया है। देख रहे हैं दोस्तों, ये मेरा अब पंखी बनके तैयार है। देख लीजिए, ठीक है, इससे हवा आएगा। तो दोस्तों देखिए, हमने नाव कंप्लीट कर लिया है। इसको कंट्रोल करने के लिए एक और जुगाड़ का ज़रूरत होता है, तो वो मैं बनाने जा रहा हूँ। इससे ये भी आपको जो ब्लेड बना है उसी का है। तो दोस्तों मैंने ये बना लिया, इसको कंट्रोलर है। ये लगाने से क्या होगा कि नाव एकदम स्ट्रेट जाएगा। देख लीजिए, इसे बनाया है। इसको यहाँ लगाया जाएगा, नीचे बीच में सेंटर में यहाँ लगाया जाएगा। जबकि इसको चलाए एक्सपेरिमेंट जब कंप्लीट चलाते वक्त इसका यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ डाल के। तो अभी फ़िलहाल इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल इसका दूसरा पार्ट जो हम लोग इसको चला कर देखेंगे पानी में। ठीक, देख लीजिए थोड़ा सा चल रहा है ये, ठीक है, हवा भी ठीक दे रहा है।
तो कल इसका किया जाएगा। तो दोस्तों तो ये थोड़ा हिल रहा है, इसके वजह से हमको हो सकता है कुछ दिक्कत आए, उसके लिए मैं ये सपोर्ट लगा रहा हूँ इसके पीछे यहाँ पे, इस पर सपोर्ट लगा रहा हूँ ताकि ये हिले ना, इसको एडजस्ट कर दें यहाँ पर। ठीक, इसको कटिंग करेंगे थोड़ा सा इस टाइप से, इस टाइप से इसका यूज़ करेंगे हम। तो ये लीजिए दोस्तों, कंप्लीट होगा, हो चुका है फाइनली। अब इसे कल हम लोग टेस्ट करेंगे नदी में जाके। ओके, तो अभी के लिए गुड नाइट, सबा खैर। एक बार ये ट्राई करके देखते हैं बाथरूम में चलता है कि नहीं, उसके बाद पोखर में ट्राई करेंगे। ये देखिए पूरा बाथरूम में पानी भर चुका है, ये वो देखिए। अब इसमें चलाने वाले काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले ये वीडियो। ये देखिए वहां से अब स्टार्ट। ओ भाई, अब ये देखिए काफी ज्यादा स्पीड में नाव चल रहा है। ओ भाई साहब, बहुत ज्यादा स्पीड। वो देखिए, ओ तेज है, तेज है। तो फाइनली भाईजान ने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो सक्सेस हो चुका है। अच्छा देखिए, रखना हो गई, इतना रखना है। ये देखिए, ओ भाई साहब, टाइटैनिक 2 है। देखिए भाई साहब, ये चल चुका है टाइटैनिक 2। कहीं पुछर का है, कहीं टकरा के टूटा जाए टाइटैनिक जैसा। काफी मजा